जिस तरह से क्लोज कर रहा है, एक अच्छा लेसन आपको दे रहा है कि 22,000 के ऊपर सेकेंड डे इसकी क्लोजिंग है, लेकिन वही प्रॉब्लम इसके साथ जस के तस है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले अंशुल भी बता रहे थे, हम भी आपको नोटिस करा थे, जब तक 250 से 350 वाली रेंज को पूरा पार नहीं करेगा तब तक ये पूरी तरह से हेल्दी नहीं होगा। ये छोटी छोटी दवाई से ठीक तो हो रहा है लेकिन ये पूरी तरह से हेल्दी नहीं है अभी भी। बैंक निफ्टी के अंदर हो क्या गया कि 150 पॉइंट ही सिर्फ आज इसने नए जोड़े हैं, कल भी इसकी 40,000 के ऊपर की क्लोजिंग थी, 40,500 के ऊपर की, और आज भी 40,500 के ऊपर क्लोजिंग है। लेकिन एक चीज़ क्या छूट गई आज में, वो है 47,000। आज उसके हम बेहद करीब तो पहुँचे लेकिन वापस से अब हम नीचे जाके, यानी कि 47,000 के नीचे जाके बंद हो रहे हैं। और आज का अगर आप हाई चेक करेंगे तो वो है 46,974, यानी कि करीब करीब 47,000 का ही लेवल। आज हमने टेस्ट करने के लिए पहुंचे, वापस नीचे आना पड़ा। कुल मिला के चर्निंग होती रही। आज आईटी का हिस्सा अलग था लेकिन नॉन आईटी ने बाजार को काफ़ी अच्छे से बचाया। और मैं बोलूँगा ना केवल बचाया बल्कि मार्केट के अंदर ये भी प्रूव किया कि सिर्फ बैंक और आईटी नहीं है, हम भी हैं, आप हमको नज़रअंदाज मत कीजिए। ये आज सन फार्मा ने बताया, ये आज आपको टाइटन ने बताया, ये आज आपको एलएनटी ने बताया, ये कुछ एक अलग स्टॉक्स ने आपको बताया। ये क्लियर मैसेज है कि मार्केट के अंदर पार्टिसिपेशन है। दूसरा, आज दिन भर में भले आप उतार या चढ़ाव जो भी देखते रहे हो, मार्केट की एडवांस डिक्लाइन ज़्यादा ख़राब नहीं रही। ये एडवांस डिक्लाइन आज भी, अभी भी इस समय जब हम क्लोज कर रहे हैं तो 1500 वर्सेज 800 है, और डेरिवेटिव्स के भी स्टॉक्स आपको ऊपर दिखेंगे। एक दो चीज़ें और हैं मार्केट की हो रही हैं, वो ये है कि थोड़ा लीडरशिप का क्राइसिस है अभी भी। आप यहाँ पे एक लीडर लेके आइए और जो अपनी वेटेज और या फिर पूरा एक एक सिस्टम, एक थीम और एक गैंग लेके आइए जो पूरे इस बाज़ार को ड्रैग करके ऊपर लेके जाए। और एक और चीज़ मेरे को ऐसा लगता है कि ये 22,250 350 वाली जो रेंज है, अगर एक गैप के साथ पार होगी ना, ये तभी आपको अच्छे से शॉर्ट कवरिंग करवा पाएगा। अगर एक गैप के साथ पार नहीं हुआ ना तो शॉर्ट्स इसको जल्दी जल्दी पार नहीं होने देंगे। मेरे को ऐसा लग रहा है आँखों के सामने आप 250 पार नहीं होगा, ये गैप के साथ पार होगा तो फिर ज़्यादा अच्छा होगा। कुल मिला के आज का सेशन ठीक है, मिड कैप स्मॉल कैप ने भी ज़्यादा निराश नहीं किया, वो भी आज आपको ठीक ही बंद होते हुए दिख रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन ठीक है, थोड़ा सेक्टोरियल चर्निंग हो रही है जो आपको होती है, जो मार्केट के अंदर दिख भी रही है। बढ़ने वाले शेयर्स में आज ऑटो का पार्टिसिपेशन अच्छा था, मैं बोलूँगा आज ऑटो ने काफ़ी हद तक अपना काम किया। मारुति चलने के बावजूद भी और स्ट्रेंथ आपको दिखाता हुआ दिखा। हीरो मोटोकॉर्प मारुति दोनों टॉप गेनर्स बने हैं आज मार्केट के। इसके अलावा UPL एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक का कैंडिडेट बना। अपोलो हॉस्पिटल, सनफार्मा, ये दोनों ही शेयर फार्मास्यूटिकल हेल्थ केयर से जुड़े। आज जिन शेयर्स ने साल का हाई लगाया हुआ है, भारती एयरटेल, बजाज ऑटो और मारुति, इन्होंने साल का हाई टेस्ट किया। अगर आज टॉप श्रेणी में आप शेयर निकालेंगे तो सिर्फ IT के ही आपको दिखेंगे। 2-2% के कट के साथ सारे मेजर IT कंपनीज टूटी। LTI, माइंडट्री, इन्फोसिस, विप्रो, SLTech, TCS, इन सब में गिरावट इतनी थी। छोटे मझोले शेयर्स की अगर आप कैटेगरी आप चेक कर रहे हैं आज, तो वहाँ पर आज दिन ठीक रहा अलकार्गो का, इंडस टावर पे ना एक ऑप्शंस का ट्रेड दिया था। मैं थोड़ा आपको बता दूं, अगर आप कैश में लेके जाएंगे तो ज़्यादा ठीक होगा, ऑप्शंस का ट्रेड एफएंड बैन में था ये, तो हमने आपको थोड़ा नोटिस करवाने, थोड़ा मैं लेट हो गया एक्चुअली, बाज़ार बंद हो गया अब तो, लेकिन आपको नोटिस करवाता जरूरी, एफ एंड बैन में था। स्वैन एनर्जी, कार्बोरंडम, यूनिवर्सल, ये कुछ एक शेयर्स तेज थे। टाटा इन्वेस्टमेंट पे आज फिर से लोअर सर्किट लगा। आज कफोर्च जो मिड कैप कैटेगरी का एक IT कंपनी है, वो भी आज बंद हुआ है नीचे। डीमार्ट, सोलार इंडस्ट्रीज, इंडस टावर, टॉरेंट पावर, ये कुछ एक शेयर्स थे जिन्होंने आज साल का नया हाई भी टेस्ट किया है। कुल मिला के मार्केट अभी भी एक रेंज में, लेकिन रेंज के पॉजिटिव नोट के साथ आज क्लोज करते हुए दिख रहा है।